अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतर्गत बैलेंस शीट क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है ये बताया था। साथ ये भी बताया था कि इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग से संबंधित बेसिक जानकारी पूरी हो गई। आप टैली सीखना चाहते हैं लेकिन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है, आप टैली का एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर लें और फिर उस पर आसानी से टैली सीखें। भविष्य में जब आपको लाइसेंस्ड टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत लगे तो आप उसे खरीद लें या किराए पर ले लें। टैली के एजुकेशनल वर्जन में टैली के अधिकांश फीचर्स मिल जाते हैं। इसे आप काम करना तो आसानी से सीख ही सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि आप वाउचर्स बनाते समय यानी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते समय कुछ ही तारीखों जैसे कि 1, 2 और 31 में ही काम कर सकते हैं। सभी तारीखों में वाउचर बनाना संभव नहीं होता। कारण भी स्पष्ट है, यदि पूरा ही काम एजुकेशनल वर्जन पर हो जाएगा तो टैली खरीदेगा कौन। तो आइए देखते हैं टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। किसी भी ब्राउजर में टाइप करें डाउनलोड टैली ERP 9 और एंटर प्रेस करें। देखिए नीचे टैली की ऑफिशियल वेबसाइट tellysolutions.com दिखाई पड़ रही है। हम आपकी सुविधा के लिए इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, इसे सिलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही टैली की वेबसाइट ओपन होगी जिसमें डाउनलोड ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। डाउनलोड पर क्लिक करें। टैली का सेटअप डाउनलोड हो रहा है और देखिए कुछ ही सेकंड्स में सेटअप डाउनलोड हो गया है। अब इसे ओपन कर लेते हैं। सेटअप पर डबल क्लिक करें, यहाँ यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड्स में tally.erp9 इंस्टॉलर विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें इंस्टॉल पर क्लिक करें। यहां आपको कुछ इंतजार करना होगा। अब डन पर क्लिक करें। डन पर क्लिक करते ही देखिए टैली की स्टार्टअप विंडो आ गई है। यहां स्टार्टअप के अंतर्गत कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आपने टैली का लाइसेंस लिया है तो उसे यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके पास लाइसेंस पहले से है और आप उसे रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसे यहां से कर सकते हैं, और यदि आप टैली किराए से लेना चाहते हैं तो वो यहां से ले सकते हैं। अब यहां नीचे की ओर आप देख रहे हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में इसका उपयोग करने के लिए या तो इस पर जाकर के एंटर प्रेस करें या कीबोर्ड पर ऑल्ट और W कीज को एक साथ प्रेस करें। ऐसा करते ही टैली सॉफ्टवेयर एजुकेशनल मोड में ओपन हो जाएगा और आप अपना काम कर सकेंगे। अभी हम इसे बंद कर देते हैं। उसके लिए एक बार एस्केप की प्रेस करें और फिर एंटर प्रेस करें। देखिए टैली इंस्टॉल करते ही हमारे डेस्कटॉप पर टैली का शॉर्टकट बन गया है। जब भी आप इसे ओपन करना चाहें इस पर पॉइंटर ले जाकर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें। यदि डेस्कटॉप पर शॉर्टकट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो टैली ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें। सर्च बार में टाइप करें टैली। ऐसा करते ही ऊपर टैली दिखाई पड़ेगा, उस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें, टैली ओपन हो जाएगा। इस वीडियो में आपने जाना कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगली वीडियो में हम बताएंगे कि टैली में हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगे।